व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्री कर्णसागर प्रेम भक्ति प्रभु के प्रेम भक्ति भाई बहनों, हमने प्रभु जी के भजन गाए और ये भी एक और भजन गाया। प्रभु जी हमें सुखी रखना चाहते हैं, हर तरह से सुखी रखना चाहते हैं और हम उनके इस असूल पर पूरा उतरें और यत्न करें। मनुष्य समझता है कि बहुत धन हो तो सुखी होंगे, ये ठीक है, धन की आवश्यकता है, मतलब धन ही केवल मैं सुखी नहीं करता, और भी बहुत कुछ करना पड़ता होता है। अंत में हम योग की तरफ आते हैं, योग हमें सुखी कर सकते हैं। परंतु योग के अंदर भी हमें यत्न करना पड़ता है, अपने आप सुख नहीं आता हमारे पास और अपने आप ध्यान भी नहीं आता, ध्यान के लिए भी यत्न करना पड़ता है। परंतु ध्यान के रास्ते में दो बातें हैं, केवल यत्न से नहीं आता, ध्यान के पीछे एक प्रारब्ध भी होता है। तो धनी मनुष्य हैं वो केवल यत्न से नहीं प्रारब्ध से हुए। एक बच्चा अमीर के घर पैदा हो जाता है, धनवान बन जाता है, वो प्रारब्ध से नहीं बना, वो प्रारब्ध है उसके अंदर। परंतु जब योग के अंदर आते हैं तो वहां प्रारब्ध काम नहीं करता, वहां यत्न काम करते हैं। जो यत्न नहीं करेगा वो सुखी नहीं हो सकता। अभी एक भजन गाया कि हम अपने परिवार को सुखी करना है तो हमें उसके लिए यत्न करना पड़ेगा, अपने जीवन को सुखी करना हमें भी यत्न करना पड़ेगा। जो ये है तभी गाया, ये तो ऐसा है कि जैसे एक मछली सारे जल को गंदा करती है ना, परिवार के अंदर एक ऐसा व्यसनी हो तो सारा परिवार बदनाम हो जाता है। तो इसलिए हमें यत्न करना पड़ेगा, और यत्न तो हमने ही करना है ना। जो बीमार होता है ना, कई बार उसको डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है या योग की सहायता पड़ती है, खुद इलाज हो सकता। परिवार में अगर किसी के अंदर कोई नुक्स है तो सारे परिवार को यत्न करना पड़ता है, और क्या यत्न करना पड़ता है ये तो सोचना पड़ेगा। हम बतलाते भी हैं और करते भी हैं कई लोग। इसी तरह हमें अपना जीवन सुखी करना है तो हमें उसके लिए यत्न करना होगा, योग अपनाना पड़ेगा। अब जब योग की तरफ आते हैं, सुख के हमें सुख कैसे मिलेगा, तो हमारे सामने दो तीन समस्याएं होती हैं, रुकावटें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें कि सुखी कैसे होगा, तो अगर प्रभु सुखी करें तो वो बात नहीं, हर एक को यत्न करना होगा अपने लिए। तो योग यत्न मांगता है, परिश्रम मांगता है। तीन फील्ड क्षेत्र हैं अगर हमारा जीवन सुखी तो ही हो सकते हैं। धन की बात जाने दो, धन में की बात करके हैं तो धन से सुखी होने हैं तो संतोष वो भी योगी है। जिसको संतोष नहीं है वो धन
उससे भी सुखी नहीं हो सकता। और धन भी अपने यत्न से नहीं, कई बार प्रारब्ध से आता है और उसमें संतोष भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज़ है योग की तरफ हम प्रविका लगाते हैं तो हमें उसमें तीन समस्याएं आती हैं। पहली समस्या सुख आती है, जो हम दुखी होते हैं वो हमारे मन से होती है। मन बहुत दुखी करते हैं, सोते भी जागते भी। अब उस समस्या को का हाल क्या है? वेद के अंदर हम पढ़ते हैं, मंत्र आता है कि देखो अगर हमने मन के दुख से बचना है तो पहले मन समझो। वे मंत्र हम पढ़ते हैं या जागृत हो दूर मुदैति देवम, मन हमारे अंदर एक देवता है। मन बुद्धि से भी बड़ा है, मन सब चीजें बड़ा है, उसको देवता कहते हैं। क्यों मन बड़ा है? कहते हैं मन से ही स्वर्ग मिलता है, मन से ही नरक मिलता है, मन से ही मुक्ति मिलती है, बुद्धि से नहीं मिलती। मन को कहा मन एक मनुष्य नाम कारण मन मोक्ष। शरीर में मन सबसे बड़ा है। मैं रात को बात कर रहा था, जैसे सृष्टि में ईश्वर आता है ना, और ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे मन ईश्वर है हमारे शरीर के अंदर। सृष्टि के अंदर एक ब्रह्म है और एक अवतार है। ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता, अवतार सब कुछ कर सकते हैं। जब कृष्ण कहता है कि मैं संसार को पैदा मैं करता हूँ, सब करता हूँ, मैं पैदा करता हूँ, अवतार के अंदर शक्ति होती है। इस तरह शरीर के अंदर जो मन है वो अवतार है, देवता है। जागृत हो देवम उदयति देव, जो जागते वो एक देवता हमारे अंदर है, वो जागते हुए भी हमें काम करते हैं और सोते भी काम करते हैं। और भाग जाता है, वश में नहीं आता मन, किसी के वश में नहीं आ सकता। तो मन की जो समस्या है कि हमारा शरीर जीवन सुखी रहे, वेद में 6 मंत्र हमारे वेद पंचाशती में ये हैं, यजुर्वेद के सारे एक ही कहते हैं, मन का स्वरूप बतलाते हैं, मन कितना शक्तिशाली है पढ़ लेना से। जब जागृत हो दूर मुदैव की देवम, वो देवता जागते हुए कहीं दूर भाग जाता है, हमारे पास नहीं आता, तद वो सुप्त से सही व्यक्ति, तद वो सुप्त से सही व्यक्ति, और सोते भी बजते न, जागते हमारे कंट्रोल में है न सोते कंट्रोल में। तो पर इसको कैसे किया जाए, इसके लिए भी उपाय है योग के अंदर, वेद के अंदर भी। तन में मना शिव संकल्प वस्तु, उससे लड़ना है तो भगवान का ध्यान करो, शिव भगवान का। और दूसरा शिव के मन के, मन को बुरा चारा ना दो। आप खाते हैं ना बुरी चीज से, आप पिए तो और बन जाते हैं, दूध पिए तो और बन जाते हैं। मन को अगर हम बुरे चारे देंगे तो मन और बुरा बन जाएगा। मन को दो उसको भोजन शुद्ध। और अगर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में मन को डाल देंगे तो मन और प्रबल हो जाएगा। इसलिए वेद कहता है कि उन चीज से बचकर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अपनी बुद्धि द्वारा, बुद्धि भी मदद करती है, जतन भी मदद करता है, और उस मन को ये खाने को ना दे। तन में मन शिव संकल्प, उसके अंदर अच्छे विचार लाओ और भगवान की भक्ति करो, तो इस तरह मन वश में आएगा, नहीं वश में आएगा। ऐसे ऐसे 6 मंत्र आप पढ़ लें, जो जाति में यजुर्वेद के मंत्र हैं, मन के ऊपर इतना जोर दिया है। और मैंने जैसे कहा कि मन को देवता माना गया है,
शरीर में या ज्योति वो मन के एक प्रकाश है, जो हम कहते हैं ना आत्म प्रकाश देखो, आत्म प्रकाश तो पीछे देखेगा, पहले मन के ही अंदर प्रकाश देखते हैं कि मन एक ऐसी शक्ति है उसके अंदर बड़ा प्रकाश है और हम उसको देखें वो क्या करते हैं। मन के बाद हमारा शरीर आता है जो हम तंग करते हैं उसको ठीक करने, सुख लेना है तो पहले मन को फिर शरीर को देखो। शरीर तो जैसा मन हर वक्त तंग करता रहता है, शरीर भी हर वक्त तंग करता रहता है और उसके लिए योग के साधन है। शरीर को अगर ठीक रखना है तो कुछ साधन रोज करें। वो शरीर के साधनों के दो हिस्से बांटे गए हैं, एक है शोधन और एक है क्रियाएं। शोधन के साधन अगर शरीर शुद्ध ना हो तो फिर शरीर हमें दुख करेगा, दुख देगा। और शुद्धि तो अंदर से होती है ना ज्यादा, बाहर की शुद्धि तो बहुत महत्व की नहीं है, योग के अंदर अंतर की शुद्धि होती है और अंतर की शुद्धि शरीर का अंदर एक बड़ा भारी सब इतनी चीजें हैं जिनको शुद्ध करना पड़ता है। लेकिन हम जो यहाँ कराते हैं वो तो अवश्य करने चाहिए, नहीं तो अंदर मल ही मल जम जाएगा। और मल एक थोड़ा सा जम गया ना तो मल की बदबू फैल जाएगी और मल बढ़ जाएगा, क्योंकि मल के अंदर कीटाणु होते हैं और कीटाणु अपना जीवन विस्तृत करते रहते हैं। तो हम जो कहते हैं ना कि नेति वमन आदि शंख प्रशालन आदि, ये मन शरीर के अंदर की सफाई है। तो अगर जीवन में सुखी रहना है तो हमें ये शुद्धि जरूर करनी पड़ेगी। और शरीर के कुछ अंदर के अंग हैं, उनको व्यायाम भी देना पड़ेगा। क्यों चुप कर नहीं बैठना है, अगर चुप करके बैठ रहेंगे तो वो फिर सुस्त हो जाएंगे। अंदर के अंगों को व्यायाम देने के लिए हमारे जो प्राणायाम है ना, ये हमारे फेफड़ों को हरकत देते हैं, उससे फेफड़ों के पेशियां मजबूत होती हैं। एक ये करना पड़ता है। उसके अतिरिक्त हमारे पेट के जो अंग है ना, उनको व्यायाम देना पड़ता है, नवली क्रिया, उड्डयन बंद, ये पेट के मसल्स के लिए। अगर इनको हम व्यायाम देते रहेंगे तो ये काम अच्छा कर सकेंगे, अगर ये कमजोर हो गए काम अच्छा नहीं कर सकेंगे। अभ्यंतर के अंगों को व्यायाम देने के लिए है, जो हम देख नहीं रह सकते, फेफड़े दिखलाई नहीं देते, दिल भी दिखलाई नहीं देता, दिल को भी व्यायाम देना है। वो प्राणायाम के अंदर भी आता है, और भी क्रिया है फेफड़ों और दिल को हम व्यायाम देने के लिए। और पेट के लिए जैसे मैंने कहा, ये नौली क्रिया है, उड्डयन बंद है, और ऐसी क्रिया और भी हैं जो कि पेट के अंदर के मसल्स को ताकत देती हैं। अगर वो कमज़ोर हो जाएंगे, दिल कमज़ोर हो जाएगा, दिल की धड़कन कम हो जाएगी, फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे, पूरा सांस नहीं खींच सकेंगे, तो उसको ज़रूर देना पड़ता है। और बाहर के शरीर के जो अंग हैं, 103 जोड़ हैं शरीर के, एक एक जोड़ का व्यायाम लिखा है। घुटना है, दो घुटने हैं ना, और घुटनों का व्यायाम ना करेंगे तो बहुत सालों में तो आजकल कि मेरा घुटना नहीं चलता, मेरे दर्द है, वो उस तरह के। अब जब वो जैम हो जाते हैं, कहते घुटना जैम हो गया, उसमें कहते हैं हम ग्रीस जम गई, डॉक्टर भी कहते हैं, तो वो तो क्यों होता है? वो होता है इसलिए कि हम पूरा व्यायाम नहीं देते हर एक काम को।
अगर देते रहें बचपन से आखिर तक देते रहें तो घुटना जो है वो जैम नहीं होंगे। इस तरह पैरों के टखने हैं, हिप बोन्स हैं, बाजुओं के जोड़ हैं, उंगलियों के जोड़ हैं, कंधों के जोड़ हैं। कई कंधों के जोड़ अगर जैम हो जाए तो आप सिर तक कंघी भी फेर सकेंगे। क्यों व्याप ये योग के अंदर जो व्यायाम है वो इन सब को ध्यान में रखकर किए गए हैं। बाकी बहुत सारे दुनिया में के अंदर व्यायाम है लेकिन वो इतने वैज्ञानिक नहीं है जितने योग वैज्ञानिक हैं। तो हमें ये भी करना होगा। तो मन की समस्या है हमारे सामने सुखी रखने के लिए, और ये शरीर की समस्या है। मन की समस्या तो है मन को शुद्ध रखें, तन में मना शिव से एक ही बस। बार बार वेद में ये कहा है कि मन को शुद्ध रखो, शुद्ध रखो। या जो योग दर्श में एकाग्र करो वो करो, वो खुद ही हो जाएगा। तो वेद जो है, वेद का ज्ञान जो है वो ओरिजिनल ज्ञान है, उसके आधार पर बाकी ज्ञान बने हैं। तो कहते शुद्ध करो तो मन एक एकाग्रता भी मदद मिलेगी, समाधि भी मदद मिलेगी। अगर शुद्ध ना होगा तो कोई भी कर सकेंगे। तो शरीर को बांटा गया है शुद्धि में और व्यायाम में। व्यायाम को शरीर के बाहर के अंग, अंदर के अंग, और शरीर के अंदर की शुद्धि। बाहर की शुद्धि तो हम करते ही नहाते हैं। एक चीज और है जो हमें तंग करती है, और सबसे बड़ी तंग करती है, और सबसे ज्यादा बीमार करती है, और सबसे ज्यादा दुखी करती है, वो है जुबान। अगर हमारा भोजन संयमित ना होगा तो हम कभी राजी नहीं हो सकते। उसने मैं कहा था योग के ग्रंथों से मैं श्लोक बोला था कि जो संयमित भोजन नहीं करता योग उसे जरा भी फायदा नहीं देगा, चाहे कितना योग करे। दोष है। जैसे मैंने कहा जिस घर में व्यसन होती है शराब आदि के, घर कभी सुखी नहीं हो सकता। इस तरह जिसकी जबान बस में नहीं है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। संयमित भोजन, तो संयमित भोजन का होता है, आज मैंने वो वेद की किताब लिखा हूं, उसमें एक वेद क्या कहता है, शुद्ध उपजाओ कम खाओ। आज हम अशुद्ध उपजाते हैं और ज्यादा खाते हैं, उल्टा का। जो चीज उपजाते हैं उसमें शुद्धि नहीं है, और कहते हैं और खाओ और खाओ। देश में अन्न की कमी है, अन्न की कमी तो है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन खाते भी तो ज्यादा है। कमी भी इसलिए हो जाती है परिवार के अंदर धन आए और फजूल खर्ची करें तो कमी तो है ही, और अगर हम संयम से रहें, थ्रिफ्टी रहें, कफायतशाली रहें तो उसमें गुजारा चल जाएगा। तो वो वेद भी कहता है कि आज के अशुद्ध बुझा रहा है, हर एक जो पोल्यूशन है, हर चीज़ पोल्यूशन है, और जो पोल्यूशन है वो और बीमारी भी पैदा करती है। तो इसलिए हम जुबान को वाश में रखकर कम खाएं। कम तो भी खाएंगे जब हम समय पर खाएंगे, आगे पीछे खाते रहें तो और खाएंगे। बीमारियां मैं बताऊं इस तरह लगती हैं खाने से ज़्यादा, वो आगे भी कहा कि पेट का, पेट में तो खाना जाता है ना, और कहाँ जाता है, और जुबान रास्ता है। अगर जुबान कंट्रोल में होगी तभी हम पेट का संभाल सकेंगे, जुबान कंट्रोल में ना होगी तो नहीं हो सकता। तो संयमित खाना होता है कि जुबान के, मैंने वो एक जो मोटो लेके रखा हुआ है उसका, अब मैंने एक लाइन और जोड़ी है उसमें, थिंक बिफोर यू स्पीक,
look before you leave and eat before you feel. जब पेट नहीं मांगता तो जुबान में कुछ नहीं डालना चाहिए. फील बिफोर यू ईट. और जब हमारे अंदर महसूस करेंगे खाना, और जल्दी ना खाओ, भूख प्यास को सहन करना तपस्या है. हर रोज तपस्या करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी. भूख लगी है अभी नहीं खाएंगे, घंटे बर्बाद खाएंगे, वो जठराग्नि और बढ़ेगी, और जो खाएंगे जल्दी हजम हो जाएगा. जिसके अंदर जठराग्नि नहीं है उसको आग कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं. जो खाते हैं उसको वो हजम करती है, जलाती है, जिस बार की अग्नि लकड़ को जलाती है, पेट की अग्नि खाने को जलाती है. और अगर लकड़ियाँ हो और अग्नि प्रज्वलित ना हो और लकड़ियाँ डालेंगे धुआं ही निकल देना. और अगर जठराग्नि तेज नहीं है और खाएंगे तो गैसें बननी है ना, कहते मुझे गैस की बीमारी है, तो गैस तो भी पैदा होती है ना. वो जिस बाहर के अग्नि में धुआं पैदा होता है, पेट के अंदर अग्नि में गैस पैदा होती है, और धुआं ऊपर चढ़ जाता है ना, छत काला हो जाता है, और धुआं ऊपर चढ़ता सिर पर, मुझे सिर पर चढ़ गया गैस, तो सिर पर चढ़ कर तो कई बीमारियां पैदा होती हैं. मिर्गी भी पैदा हो सकती है, और लगातार सिर दर्द भी पैदा होती है, ब्लड प्रेशर भी पैदा हो सकता है. सिर की बीमारियां तो कई हैं, और वो है कि जुबान को वश में नहीं करती. इसलिए तीन आपने बताया कि योग की तरफ अगर सुखी जीवन बिताना है तो हमारे सामने रुकावट है. एक मन की रुकावट है, एक शरीर की रुकावट है, और एक जुबान की रुकावट है. इन तीनों को अगर हम ध्यान रखें हमारा जीवन सुखी होगा. केवल धन से सुखी नहीं होगा, बल्कि धन के हमें कई बार तो हमारे मन के ऊपर बोझ भी बन जाता है अगर संतोष ना हो तो हम कभी कहते हमारा तो हमारा जीवन सुखी हो तो आशीर्वाद तो मेरा ये हो जाए. मैं कहता हूँ आशीर्वाद कोई जादू है? जादू तो अपना यत्न है. अगर पेट को ठीक करना है तो कम खाओ, देखो क्या खाना है. और अगर जुकाम से और पेट की और बीमारियों से बचना है, एक पेट की बीमारी सबसे बड़ी है जो आजकल है. जब पेट भर कर खा लेते हैं ना, सच में नहीं खाते, तो दो ट्यूबें जो हैं वो बंद हो जाती हैं. पेट भरा हुआ है, वो ट्यूबें आती हैं उधर, उनके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो आते हैं और खाने को ठीक करते हैं, वो हार्मोन्स बंद हो जाएंगे. एक हार्मोन है पित्ते का, वो आना बंद हो जाएगा तो पथरी हो जाएगी पित्ते में, और वो है लोग खाना ज़्यादा देते. एक हार्मोन है पैनक्रिया से आता है इंसुलिन का, वो बंद हो जाएगा तो शुगर हो जाएगी. और आम लोगों को है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें खाने की जुबान के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए. जुबान की बीमारी है जो पित्ता और शुगर, ये जुबान की बीमारी है, जुबान को कंट्रोल रखना पड़ेगा. ओके, तो हम सुखी रहेंगे. सारी उम्र नहीं होगा ना पित्ता होगा और ना ही शुगर होगी. सबको शुगर नहीं होती, उन्हीं को होती है जो इतना खाते हैं पेट भर लेते हैं और वो नालियाँ बंद हो जाती हैं. नालियाँ बंद हो जाती हैं, इंसुलिन नहीं खाने में आती, और पित्ता जो है खाना के लिए हजम के लिए पित्ता जरूरी होता है. वो पित्ता निकलने नहीं तो अंदर सॉलिड हो जाता है, फिर ऑपरेशन करने जाते हैं. उसका तो ऑपरेशन है, पित्ता ही निकाल दो, लेकिन शुगर का इलाज कोई नहीं है. शुगर के आते हैं हमारे पास लोग, तो मैं उनको कहता हूँ पहले तो एक हफ्ता कुछ ना खाओ, दो चार बार चाप पा मिलो. वो पित और दूसरा कहते हैं हमारी और भी कई बीमारियां हैं, तो उनको हम जब कहते हैं कि तुम खाने से बीमारियां लगी हैं ना, ये खाओ मत. और महीना महीना मैंने
आश्रम में आने वालों को रखे, केवल दो तीन बच्चा अभी आया, अभी एक आदमी आया संक्रमण कर रहे हैं, उसको यही तकलीफें थी। एक हफ्ता मैंने भूखा रखा चाय पर, और फिर आज संक्रमण कर रहे हैं। मैं ठीक हूँ, हाँ कह तो एक भूखा, एक हफ्ता भूखे रहने में बड़ा फर्क है मुझे। ये क्यों जुबान बड़ा तंग करती, और जुबान सिर्फ खा लो ही नहीं, जुबान लड़ाई भी करती। तो अब हमने आज यही विचार किया कि जीवन को सुखी बनाना है तो संयम अपने को रखो, संयम रखें, फिर धन का भी संयम रखें संतोष, और शरीर का शुद्ध रखें, मन के जुबान के ऊपर रखें, हमारा जीवन सुखी होगा। लेकिन ये प्रभु जी की शिक्षा है ना, शिक्षा पर चलने से होगा। अब तो हमारे पर कृपा करो, कृपा करो, मैं कहता हूँ कृपा कोई जादू नहीं है, ये साधन है। अगर साधन करोगे तो आपका पेट भी, अगर एसिड है तो एसिड का आशीर्वाद से डिजॉल्व हो जाएगा, वो तो खाली होगा, वो सच्ची आलमा प्रभु।